双手。हाय भैया, क्या हो रहा है? उपमा ट्राई कर रहा हूं। खाओ खाओ। नहीं नहीं, आप खाओ। तुम जाकर बुज्जी को उठाओ। बुज्जी 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 बेटा। अरे डफर, कितनी बार उठाऊं तुझे? स्कूल नहीं जाना है क्या? लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तुझे। हू केयर्स, तेरी तो यू लेजी बम। राजू भैया, सेव मी, बचाओ मुझे। अरे जल्दी ब्रेकफास्ट कर, स्कूल नहीं जाना क्या? अरे आप चल चल चल। हाय सूजी। हे वर। हे, व्हाट्स योर प्लान टुनाइट? आई गॉट प्लान्स एट होम। ओह ओके, सी यू, बाय बाय। भैया, इट्स हाई टाइम, शादी कर लो यार। यू नीड टू गेट मैरिड। आई नीड अ फ्रेंड एंड यू नीड अ वाइफ एंड वी नीड अ फैमिली। ओके, यस यस। अच्छा भैया ये देखो, दो बेटियां हैं, उनके डैड फार्मर हैं, माँ नहीं है। लड़की ने एमए साइकोलॉजी की है, रेणुका, और उसकी बहन है भानुमति, बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर। और उन्होंने लिखा है कि लड़का किसी भी कास्ट का चलेगा। डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर। हे, सितंबर 15th, माँ का बर्थडे। या भैया, इससे मिलने जाना ही है, कोई बहाना नहीं, किस्मत कनेक्शन है। यस, लेट्स गो। पहले तुम्हारे एग्जाम खत्म होने दो। आप उसकी टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगा, तुम पहले चले जाओ। यस, वी आर कमिंग इन। यस, नाखून चबाने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सीधा आंखों में आंखें डालना, बी कॉन्फिडेंट। सिगरेट छोड़ दो, गर्ल्स डोंट लाइक इट। कद्दू जैसी शक्ल क्यों बनाई है? थोड़ा हंसो ना। बुज्जी की दवाइयां हैं, अपने पास रखो। बी कॉन्फिडेंट भैया, ऑल द बेस्ट। यार, तो क्लास का बहाना बनाकर फिर से आ गई। दीदी को कोई देखने आ रहा है, पापा का मैसेज आया था, मुझे भी देखना है। अमेरिका से रिश्ता आया। अरे वाह, अमेरिका में मुझे कंपनी मिल जाएगी। हाँ, मेरा मतलब तू तो यही रहने वाली है, तो वहाँ कोई तो मेरा। तू भी जा, वो भी जाएगी, सब चले जाओ। आज तक कितने स्मार्ट लड़के तेरे पीछे पड़े, किसी को भाव नहीं। तुझे तो अमेरिकन चाहिए ना। जिससे हम शादी करने वाले हैं ना, उसका एक लेवल होना चाहिए, स्टेटस में और बैंक बैलेंस में। वो मेरी पत्नी है, भानु 10 साल की थी तब वो गुजर गई। दीदी इधर आइए, मेरी बहन है। नमस्ते। हाय। नमस्ते। भानु को इन्होंने ही बड़ा किया। हमारी लव मैरिज हुई थी, लेकिन रस्मों रिवाज को बहुत मानती थी वो। दीदी कुछ नाश्ते के लिए ले आइए। बेटा, हम दहेज के बहुत खिलाफ हैं। हम भी दहेज में यकीन नहीं करते, आप परेशान मत होइए। अच्छा हुआ ये सब बातें पहले ही हो गई। वो देखो, वो रेनू है।
हमारी रेणुका ने एमए किया है साइकोलॉजी में, गोल्ड मेडलिस्ट है वो। हाँ। बेटा तुम्हें इससे कुछ पूछना है, अंदर जाके बात कर सकते हो। हाँ हाँ। आपने तो कुछ लिया ही नहीं। हाँ ले रहा हूँ। लीजिए ना। अरे वाह, पापड़ी। Excuse me. गाठिया। Excuse me. अच्छा है। I am Buji. ठीक है ना? अच्छा है, अच्छा। Even I want to take a look. हिंदी आती है क्या? और लीजिए ना। या थोड़ी थोड़ी आती है। ज़्यादा नहीं। मुझे दीजिए। तुम्हें क्यों? घर में नाखून फेंकने से दरिद्रता आती है, मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। नहीं नहीं मैं फेंक दूंगा। नहीं नहीं आप मुझे दीजिए, मैं फेंक... okay. What's your name? भानु। Man, this is funny shit. I can't believe he's gonna marry her. हाँ, सही बोला तू। सब गोबर बातें हैं। गोबर? हमारी भाषा में शिट। ओह। सिगरेट? वो क्यों? वो मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, सोचा आपको आदत होगी इसीलिए। यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। सिगरेट पीते हुए बात करना चुपचाप बैठने से तो बेहतर ही होगा ना। That's right. Shut us up. What do they do? Do they make out? मतलब? Will they kiss or something? चुप कर, कुछ भी बोलता है। Sorry रेनू, लड़कियों के सामने नर्वस हो जाता हूँ, इसीलिए सिगरेट पी ली। क्या तुम खुश हो? ये अरेंज मैरिज, आई मीन फैमिली प्रेशर है या पिताजी के लिए हाँ कह रही हो तो बता दो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ। I just want to clear this. ऐसी बात नहीं है। In fact, अगर मुझे कोई पसंद नहीं होगा तो मैं पिताजी से कह सकती हूँ। तुमने MA किया है ना? तुम्हारी हॉबीज? मुझे सोना पसंद है। मतलब आप सोचेंगे गांव में रहती है तो खाना बनाना, पूजा करना, ये सब हॉबीज होगी, पर मुझे ये सब नहीं आता। गुड, वेरी गुड हॉबी, इंटरेस्टिंग। अरे ये तो सिर्फ भैंस है, बफेलो। तुम दूध कहाँ से लाते हो? From the grocery store. हाँ? बोला बच्चा। चल। No, 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 don't shake with it. Let me go. मेरा भाई आकर डिसाइड करेगा। What? मतलब मेरा भाई आकर देखेगा। सेकंड ओपिनियन? सेकंड ओपिनियन? उसका दिमाग तो ठिकाने पर है। देखो ये सब बकवास नहीं चलेगी, नहीं करनी कोई शादी, जाने को बोल दो। एक तो ये अरेंज मैरिज अपने आप में ही एक प्रॉब्लम है, ऊपर से ऐसी कंडीशन भी मानो। दीदी मना कर दो उन्हें। तू चुपचाप खाना खा, उन्होंने अपनी बात रखी, हमने भी सुन ली। शादी कोई मजाक नहीं है, उन्होंने भी सोच समझ कर ही बोला होगा। सोचने की हमें जरूरत है, उन्हें नहीं। आप ही बताओ पापा, ऐसे कैसे कह सकते हैं? दीदी कोई सौदे की चीज है क्या? हमने भी अभी तक हाँ नहीं कहा है ना, देखते हैं। पहले लड़के को आने तो दो। क्या सोच रही हो दीदी? आप उन तीन बंदरों की जी हुजूरी करते हुए मर जाओगी। एक तो अमेरिका से है, भगवान जाने कैसे रहते हैं वहाँ पे, हमारे यहाँ की मूवीज दिखाते हैं क्या? इस घर में लगता है मैं ही समझदार हूँ, एक बार सोच कर तो देखो। मैं पापा को बोल दूँ? चुप, सो जाना भानु, पापा ने कहा है ना उसे आने दो। एक बार टच नहीं कर सकती, एक बार फील भी नहीं, कैसे यहाँ कहोगी तुम? चुप, अब सो जा। छिपकली की शक्ल वाले, तू आ मैं दिखाती हूँ। क्या यही रेणुका की छोटी बहन है?
लगती तो नहीं है। इतना हैंडसम होगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। देख तो मेरी तरफ ही रही है, यही है क्या? भाई तो एवरेज सा है, जो भी हो एक बार ट्राई कर लेती हूँ। क्या लिखा है? सॉरी मैं पहचान नहीं पाया, बहुत साल हो गए हिंदी पढ़े हुए, प्लस यू होल्डिंग इट अपसाइड डाउन, काइंड ऑफ क्रेजी। मेरा नाम वरुण है। सॉरी मुझे यहाँ के कार्स की आदत नहीं है ना, अमेरिका में कार्स बड़ी और स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये इंडिया है। मैं ड्राइव करूँ? हाय मेरा नाम वरुण है, और तुम? दुल्हन की बहन हूँ मैं। तुम ऐसे चिढ़कर बात क्यों कर रही हो? मुझ पर किसी बात का गुस्सा है क्या? Do you have any problem? Oh, man, damn roads, they never change. Hello, ये roads हमारे हैं, हमने बनाए हैं, जितनी हमें आती है उतनी बना दी। तुम्हें आती है क्या? नहीं आती ना, तो चुपचाप बैठो। देसी फिरंग खुद को 30 मार का समझते हैं। सिर्फ तुम ही ऐसी हो या अपनी बहन पर गई हो? हेलो, बहन के बारे में कुछ मत बोलना, खरा सोना है वो। किस बात पे हंसी आ रही है तुम्हें? ये शादी ब्याह कोई मजाक है क्या? पता है हमें कितनी टेंशन है? पता नहीं आके क्या क्या पूछते हैं। फूल लाओ, साड़ी पहनो, मिठाइयाँ लाओ, फेशियल कराओ। लड़के के आने से पहले नींद नहीं आती और जाने से उठ जाती है। वैसे तुम ये सब कैसे जानती हो? बहुत एक्सपीरियंस है क्या? लड़का अगर हाँ या ना नहीं कहता, मेरा छोटा भाई भी आकर देखेगा ऐसा कहता है, और फिर हीरो एंट्री मारता है। तुम्हारे भाई में दिमाग है कि नहीं? मुझे जो कहना है कह लो, भैया को कुछ मत कहना, खरा सोना है वो। अब उन्हें लगा कि मैं सेकंड ओपिनियन दे दूं तो मैं आकर तुम्हें तो गला दबाकर यही मार देना चाहिए। सेकंड ओपिनियन वाले लड़कों को कार में बिठा रखा है, फूटी फूटी किस्मत। मुझे भी तुम्हारे साथ बैठकर कोई मजा नहीं आ रहा, मैं यहीं उतरूंगा। जस्ट स्टॉप द कार। पता नहीं भैया तुम्हारे घर में क्यों रुके हैं, होटल में रुकना चाहिए था। फॉर्मेलिटी के लिए रोका था और वो रुक गया, हमने उससे नहीं कहा था। मुझे यहीं उतार दो प्लीज, कार रोक दो। पापा मार डालेंगे। ऐसा क्यों? व्हाई? दूल्हे के भाई की बेइज्जती कैसे कर दी? स्वर्ग से उतरे हो ना। मैं ऑटो में तुम्हारे पीछे आऊंगा, तुम्हारे पापा से कुछ नहीं होगा। प्लीज स्टॉप द कार, सीरियसली स्टॉप द कार। ओके, कहीं तुम इसकी वजह से मना तो नहीं करोगे? ये सब हमारे लिए भी मजाक नहीं है। ओके,